हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। ये चार सवाल हैं, इन चार सवालों में आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। देखिए, 100 का 200%। हाँ, यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि प्रतिशत जब भी दे दिया गया, यहाँ पर क्या है, प्रतिशत पूछा गया है कितना प्रतिशत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है। जब भी प्रतिशत दिया जाता है तो याद रखना दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा, भाग होगा। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, भाग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, और इसका का मतलब क्या होता, और इसका का मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गुणे। ठीक है, 100 का 2%। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100, ठीक है, का की जगह गुणा लगाएंगे और 2 ऊपर लिखेंगे। 2% का मतलब इस तरीके से हम लोग 100 नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, हम लोगों की इक्वेशन आ गई, तो हम लोग 100 से 100 काट देते हैं, बचेगा कितना, 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी आपसे पूछा जाए 100 का 2% कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, कोई सी भी संख्या आपको दे दी जाए, किसी ने भी पूछ दिया कि 80 का 1/2% बताइए, या फिर 100 का 20% बताइए, या 300 का 50% बताइए, वो सारी चीज़ें इससे आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया, तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं। तो इसका का जो मतलब होता है, इसका गुणा होता है, तो इसका मतलब होता है भाग। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है 150 600 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग गुणे 100 करेंगे। ठीक है, गुणे कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि 150 600 का कितना प्रतिशत है। अब हम लोग इस सवाल को एक तरीके से और देख लेते हैं, 150 600 से कितना प्रतिशत है। अगर का या से आ जाए तो समझ लेना, ये जो वैल्यू है जो का के साथ जुड़ी हुई है, ये नीचे जाएगी। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 150 बटे 600। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, और इससे हम लोग अगर काटेंगे तो पूरा चला जाएगा किससे, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों पूरा 25%। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25% आ जाएगा। प्रतिशत पूछा गया था, प्रतिशत पूछा जाए तो गुणा करेंगे, प्रतिशत दिया जाए तो भाग करेंगे। ठीक है, इसका का मतलब गुणा होता है, इसका का मतलब भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे का आ जाए या से आ जाए, आपको सवाल पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें का और से लगा के देख लीजिए कि किस तरीके से सवाल बन रहा है। तो आपको ये जो वैल्यू है, ये आप लोगों को बटे में करनी है। अब हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल इसमें देखिए, 1% का आधा कितना होगा, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि 1% का मतलब कितना हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1% है, तो यहाँ पर 1/100, ठीक, इसका मतलब 1% हो गया का आधा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 × 1/2 कर देंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इससे आप ऐसे समझ लीजिए, ये आप अपनी मेमोरी में रखिए या आप नोट्स बना लीजिए इस सवाल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है, कन्फ्यूजिंग भरा हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/100 × 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.005 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीख के आप जाएंगे इस वाले सवाल से। वैसे ये सवाल दूसरे तरीके का है, मतलब यानी कि जो दूसरा सवाल हम लोगों ने लगाया था इस तरीके का, उसी तरीके का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मीटर और किलोमीटर में। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी जो 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि 150 जो है 3 किलोमीटर से कितना प्रतिशत है, या 150 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो अगर ये वाला ऐसा आ जाए तो ये तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक छोटी लकड़ी है, ठीक है, और एक क्या है, बड़ी लकड़ी है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि बराबर करना है इन दोनों को। तो हम लोग बड़ी लकड़ी को ही तो छोटा करेंगे, तो हम लोग जब बड़ी लकड़ी को छोटा करेंगे तभी बराबर आ पाएगा। छोटी लकड़ी को काटेंगे तो इससे बराबरी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी लकड़ी को काटेंगे। तो यहाँ पे मीटर से बड़ा है किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम लोगों को चेंज करना है। ठीक है ना, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो हम लोगों ने दूसरे वाले सवाल में क्या देखा था, जहाँ पे का या से आ जाए, यहाँ पे हम लोग से भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे से भी लिख लेना, का या से कुछ भी लिख के आ सकता है, लेकिन से बहुत कम आता है, बस से समझने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो 1 किलोमीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1000 मीटर के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 150 लिखेंगे,
ठीक है, बटे लगाएंगे, इसे हम लोगों को चेंज करना है क्योंकि ये नीचे आएगी संख्या, यानी कि 3000 आ जाएगा यहाँ पे, 3000। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर किसके बराबर हो गए, 3000 के, और यहाँ पर गुणे लगाएंगे 100। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग काट देंगे, ठीक है, 0 से 0 सारे चले गए, यहाँ पे 3 × 5 = 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये जो 5 है 5% यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे 4 सवाल होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।